हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का क्या मतलब है? ई से होता है इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मींस टू कैरिंग आउट बिजनेस ट्रांजैक्शंस ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स का मतलब ही यही है। बाइंग और सेलिंग कहाँ पे होती है? इंटरनेट पे, मतलब सोशल मीडिया पे। और काफ़ी ज़्यादा ऐप्स भी होती हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रेड ऑल्सो हैज़ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस। अब कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के? फर्स्ट है बाइंग, सामान खरीदा जाता है, सामान बेचा जाता है, सेलिंग, और पेमेंट भी होती है, चाहे फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, डेबिट कार्ड या कोई भी कार्ड का यूज़ करके, या आप कैश ऑन डिलीवरी पे भी सामान लेते हो। देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन सेलर एंड द बायर, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, बिकॉज परचेजेस आर डन ऑनलाइन। ई कॉमर्स अडॉप्ट द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू मीट कस्टमर डिमांड्स। ई कॉमर्स में सबसे मेन रोल किसका है? टेक्नोलॉजी का। अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी तो क्या हम इंटरनेट पे शॉपिंग कर पाएंगे? क्या हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मतलब ई कॉमर्स का सारा कंसेप्ट, सारा फोकस किस पे है? टेक्नोलॉजी पे। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। फर्स्ट है इनहेंस कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है ईजी कर देना, कि ई कॉमर्स की वजह से सब कुछ बहुत ईजी हो गया है। कस्टमर्स कैन मेक ऑर्डर्स फॉर गुड्स एट देयर होम्स विदाउट गोइंग एनीवेयर। कहीं भी जाना नहीं पड़ता है और घर बैठे बैठे हम क्या करते हैं? ऑर्डर कर देते हैं। अब जैसे मिंत्रा पे अगर किसी को कोई भी ड्रेस चाहिए, या अमेजोन से कोई खाने पीने का सामान चाहिए, सब कुछ ऑर्डर घर बैठे ही हो जाता है। और ये ज़्यादातर किसके लिए कन्वीनियंट है? जिनकी जॉब होती है, वो लोग आराम से जॉब मतलब काम करते वक्त भी ऑर्डर कर सकते हैं। फेयरेस्ट प्राइजेस, दे कैन ऑल्सो इन्जॉय एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लाइक डिस्काउंट्स, कूपन, या कभी कोई आइटम सेल पे होती हैं 40%, 50%, कभी कभार किन्हीं चीज़ों में हमें 70-80% डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो क्या है वो? फेयरेस्ट प्राइस, अच्छे प्राइस पे हमें सामान मिल जाता है। कस्टमर रीच, यूजिंग सोशल मीडिया लिंक्स and good search engine and online business can increase brand awareness and grow its customer base. Brand awareness का क्या मतलब है? Brand awareness का मतलब है कि चाहे आपका छोटा brand हो या बड़ा brand हो, आपका main focus एक ही होता है कि आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाओ। अब हम इसकी एक कोई example ले सकते हैं, जैसे Instagram पे भी आपने देखा होगा या Facebook पे आपने देखा होगा, वहाँ पे बहुत कस्टमाइज गिफ्ट आजकल बिक रहे हैं, क्योंकि ये लोग घर बैठे हुए बिजनेस चला रहे हैं, जिसकी एडवर्टीजमेंट वो कहाँ कर रहे हैं? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहे हैं। और इसमें क्या हो रहा है? बेस्ट यूज़ ऑफ सोशल मीडिया हो रहा है। तो कस्टमर रीच का आपको मतलब पता चल गया होगा, जब हम इंटरनेट का यूज़ करके ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नाउ फोर्थ पॉइंट है हमारा एबिलिटी टू सेल डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी और स्लैश करके इंटरनेट मेक्स इट पॉसिबल फॉर एंटरप्रेन्योर्स टू सेल सेवरल प्रोडक्ट्स। अब बिजनेस में क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब चेंजेस आराम से हम कर पाएं। अगर समझो एक कोई प्रोडक्ट है, उसकी सेल ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इस प्रोडक्ट को बेचना बंद कर देंगे और कोई और प्रोडक्ट ले आएंगे। उसको हम क्या कहेंगे? बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी होना। और इंटरनेट का क्या मतलब है? कि आप इंटरनेट का यूज़ करके अपना सामान आगे कैसे बेच सकते हो। एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद आजकल सोशल मीडिया ही है, और सेल कर सकते हैं ये सेवरल प्रोडक्ट्स, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो, कोई सोल प्रोपराइटर है या किसी का कोई बड़ा बिजनेस है, कंपनी है, हर किसी प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत होती ही है। और इसमें सबसे मेन रोल किसका है? ई कॉमर्स का। नाउ
फिफ्थ पॉइंट है हमारा फास्टर बाइंग प्रोसेस. E-commerce is the best for the people who are busy in their workplace as they can buy anything just with one click on their phone. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि e-commerce ज़्यादातर किन के लिए beneficial है, जो लोग काम करते हैं. अब जैसे दिल्ली मुंबई जैसे शहर हैं वहाँ पे लोग बहुत बिजी हैं, सबकी बहुत बिजी लाइफ है. अगर उनकी 10 बजे सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी स्टार्ट होती है तो हो सकता है रात को 10 बजे ख़त्म हो, 8-9 बजे ख़त्म हो, और वो लोग वहाँ बैठे काम करते वक्त भी अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो वहाँ से भी ऑर्डर करेंगे तो उनके घर पे सामान पहुँच जाएगा. अब इसमें हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि स्विगी. नाम आपने सुना ही होगा, क्या है ये? ऑनलाइन फूड ऑर्डर होता है जहाँ पे. नाउ सिक्स्थ पॉइंट, अवेलेबल 24/7. वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स दैट इट इज ओपन 24/7. जितनी भी ऑनलाइन साइट्स हैं, आप रात को चलाओ 12 बजे या आप सुबह चलाओ, दिन को चलाओ, कभी भी चलाओ, आप ऑर्डर कर सकते हो. नॉट लाइक रेगुलर शॉप्स. अब आप मार्केट में अगर रात को 12 बजे जाओगे तो क्या आपको कोई भी शॉप खुली मिलेगी? नहीं मिलेगी. इसीलिए ई कॉमर्स की वजह से लाइफ बहुत ईजी हो गई है. आपको कोई भी चीज़ चाहिए, कहीं पे भी आप हो, आप इजीली वो चीज़ ले सकते हो. सेवन पॉइंट, डिटेल्ड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन. वट एवर यू वॉन्ट टू बाय यू ऑल्सो गेट फुल डिटेल ऑफ दैट प्रोडक्ट. कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ जैसे अलमीरा लेने लगे हैं ऑनलाइन, उन्हें लगेगा क्या पता इसकी वुड की क्वालिटी अच्छी ना हो, बाद में खोलते वक्त कहीं टूट ना जाए, तो बहुत सी चीज़ें लोगों के दिमाग में आती हैं. इसीलिए कोई भी चीज़ अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो आजकल आपको उसमें फुल डिटेल मिल जाती है. वुड की क्वालिटी क्या है, मिरर अगर लगा है तो उसकी लेंथ क्या है, या अलमीरा कितने फुट की है, 6 फुट की, 7 फुट की, सारी चीज़ें आपको दिख जाती हैं. नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है ई कॉमर्स के? फर्स्ट है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट. यू डोंट फिजिकली सी द प्रोडक्ट, सो समटाइम्स यू गेट अ डिफेक्टिव और फॉल्स प्रोडक्ट. जैसे हमने यहाँ पे बात की थी, मैंने आपको यहाँ पे रेगुलर शॉप्स जो होती हैं उसकी एग्जांपल दी थी. अब शॉप्स में जाके तो हम प्रोडक्ट देख सकते हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो हम नेक्स्ट डे जाके भी वापस करवा सकते हैं. लेकिन अगर 24/7 भी सर्विस हमें मिल रही है मिंत्रा की, फ्लिपकार्ट, कहीं की भी, तो क्या वहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी? अगर हमें डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल गया और उसमें रिटर्न की पॉलिसी ही नहीं हुई तो हमारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे. इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है. नाउ इंटरनेट स्कैमर्स. सम पीपल यूज इट रॉन्गली. फॉर एग्जांपल, आपको मोबाइल में कितने ऐसे फ्रॉड मैसेजेस आते होंगे कि आपकी लॉटरी लग गई है, या फिर आप कार जीत गए हो, या फिर आपको कॉल आ जाती है कि आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड एक्सपायर होने लगा है, उसके हमें नंबर की डिटेल्स दें. और कुछ लोग दे देते हैं और वो फंस जाते हैं. इसीलिए कहा है कि इंटरनेट का अच्छा यूज़ तो है ही, लेकिन कुछ लोग उसका गलत यूज़ भी करते हैं. इसलिए लोगों को अवेयर रहना चाहिए. नाउ डिलीवरी ऑफ गुड्स कैन बी डिलेड समटाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी साइट से कोई ड्रेस ऑर्डर की है, वहाँ पे टाइम दिया है कि 3-4 दिन में वो ड्रेस पहुँच जाएगी. अगर वो 3-4 दिन में नहीं पहुँचेगी तो आप क्या दुखी हो जाओगे? और ऑब्वियस ही बात है, हो सकता है आप वो ड्रेस ही कैंसिल कर दो फिर, कि अब तो मुझे ये चाहिए ही नहीं, या फिर आप उस ऐप का यूज़ ही नहीं करोगे. तो ये भी क्या है, डिसएडवांटेज, कि कभी कभार प्रोडक्ट्स भी डिले हो जाते हैं. और उसकी बेस्ट एग्जाम्पल तो अभी का टाइम है. कोविड के टाइम पे हर कोई प्रोडक्ट आप कहीं से भी ऑर्डर करो 2-3 दिन डिले ही हो जाता है, और हमें मैसेज भी आ जाता है फ़ोन में कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा डिले हो सकता है. नाउ फास्ट चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. सम एंटरप्रेन्योर्स फाइंड इट हार्ड टू कोप अप विद द टेक्नोलॉजी. कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी का यूज़ सही तरीके से करना नहीं आता, तो उनके लिए क्या है ई कॉमर्स? डिसएडवांटेज है, क्योंकि ई कॉमर्स में क्या है, दो ही चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले ही बताई, एक तो टेक्नोलॉजी, देन इंटरनेट. नाउ नो गारंटी अबाउट द प्रोडक्ट. बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी गारंटी या वारंटी नहीं होती, इसलिए ये कस्टमर की, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो गारंटी दे के ही प्रोडक्ट ले. देन लॉस ऑफ पर्सनल टच, रिलेशन बिटवीन कस्टमर एंड बिजनेसमैन. अब ये चीज हम पूरे इसमें कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कि ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट. अब वहां पे तो बिजनेसमैन और कस्टमर का रिलेशन नहीं होता, लेकिन रेगुलर शॉप्स में, रेगुलर मार्केट में जब आप जाते हो तो आप बिजनेसमैन, जो वहाँ पे सेल्समैन हो, जो ओनर हो, आप उनसे भी मिलते हो, आपकी इंटरेक्शन होती है. और अगर प्रोडक्ट कल को खराब भी निकले तो आप वापस कराने भी चले जाते हो. लेकिन ई कॉमर्स में, ऑनलाइन शॉपिंग में ये एक डिसएडवांटेज है. तो आज हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. So if you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you.